हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन काइंड, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आप सभी को याद होगी। इसमें मेन जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल लाइक अदर असेंशियल लाइफ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, रिप्रोडक्शन इज नॉट असेंशियल फॉर मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। सो वाई इट इज असेंशियल, इट इज असेंशियल फॉर नंबर वन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, नेक्स्ट एडिशन of new species, next replacement of dead organisms, next आता है transfer of variations from वन जनरेशन टू अनदर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना अलग अलग एक उनका मोड ऑफ होता है, रिप्रोडक्शन का एक मोड होता है। जैसे कोई सेक्सुअल से करता है, कोई एसेक्सुअल से करता है, लेकिन जितने भी ये मोड्स है रिप्रोडक्शन के, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे अगर हम बात कर देंगे कॉमन फीचर्स की, तो कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं इनके अंदर जो सभी रिप्रोडक्शन में कॉमन होते हैं। ये जो है कॉमन फीचर्स आपके, ये हैं, जैसे सबसे पहले आता है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट बात करते हैं तो सेल डिवीजन, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज, और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग, मींस नई जो जनरेशन आ रही है आपकी ऑफस्प्रिंग। इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है, अमीबा पे जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए का जो डीएनए है उसका अमाउंट में वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। जब न्यूक्लियर मटेरियल डबल हो जाएगा एक ही सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड करना शुरू करेगा। डिवाइड करने से क्या होंगे कि दो सेल्स बनेंगी, धीरे धीरे डिवाइड होंगी और दो सेल्स ये बन जाती है, इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हुआ, उसके बाद देख रहे हैं आप सेल डिवीजन हुआ, और दो जो है रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो बनी है, उसके बाद ये एडल्ट जो है पूरा एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो आपका रेप्लिकेशन होने के बाद में, सेल डिवीजन होने के बाद में स्पर्म और ओवा बनता है, और ये फ्यूजन होने के बाद में क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज यानी कि जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट फिर बाद में ऑफस्प्रिंग में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको, इन चार पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डीएनए कॉपी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आपके जनरली आप देखते हैं पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डीएनए कॉपी। तो क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। इसके लिए दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन भी इसको कहा जाता है। किस लिए है ये, नेसेसरी क्यों होता है, नेसेसरी फॉर न्यू सेल्स फॉर्म आफ्टर
सेल डिवीजन, बिना रेप्लिकेशन के एक सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या है ये जरूरी होता है। कभी कभी क्या है इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पे, जब जैसे मान लीजिए ये डीएनए है और इसमें क्या है कि जब रेप्लिकेशन होता है, दो डीएनए जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ अल्टरनेशन, कुछ चेंजेस आ जाएं तो वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं सम माइनर चेंजेस और अल्टरनेशंस कहाँ पर होंगे, डीएनए के अंदर, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, वेरिएशन। तो यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है आपका वेरिएशन, जो कि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेरिएशन, तो क्या होता है वेरिएशन, डिफरेंसेस अमंग दी इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो ये आते कैसे हैं आपके, अगर हम बात करें नॉर्मली हम देखते हैं कॉपी जो होती है डीएनए, डीएनए कॉपी जो होती है उस टाइम पर, वैसे तो जनरली क्या होती है ये परफेक्ट होती है एकदम, लेकिन कभी कभी बट मे बी ओकेशनल एरर्स, कभी कभी ओकेशनल एरर्स आ जाते हैं। ये ओकेशनल एरर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और फैटल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली व्हाट इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन, तो आप क्या लिखते हैं, वेरिएशन, वेरिएशन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन, बेसिस फॉर एवोल्यूशन। तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड, तो इसको हम क्या करते हैं एक छोटे से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोई लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी बॉडी उसमें सेल से बनी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होंगे आपके क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स में आपके जीन मिलेंगे जो कि डीएनए का ही एक पार्ट है। मान सकते हैं डीएनए क्या है आपका ब्लूप्रिंट बनाता है, इसी यही रिस्पॉन्सिबल है किस तरह का ऑर्गेनिज्म आने वाला है, क्या उसके अंदर हो सकते हैं। तो जीन में आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। क्योंकि जो जीन होता है, जो डीएनए होता है, वो कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करता है। जनरली आप देखते हैं ना, जैसे अगर आप साइड में डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर देखा जाए तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, प्रोटीन बना के करता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आ रही प्रोटीन बनाने की, अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, इफ इन्फॉर्मेशन चेंज, अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है तो जनरली आपकी जो प्रोटीन बनेगी तो वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन बनेगी और इससे डायरेक्टली आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन, जो बॉडी डिज़ाइन है वो आपका अल्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जो वेरिएशंस हैं एक बॉडी के अंदर ऐसे इंट्रोड्यूस होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब एक क्वेश्चन है अगला जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप अगर उसको पढ़ें तो। इसको हम क्या करते हैं एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे सेम जो है आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही जो एनवायरनमेंट में शेयर कर रहे हैं अपने आप को, सेम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो इनका क्या होता है, कुछ बोलते हैं ऑक्यूपाई सेम
प्लेस इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के, लेकिन फिर भी उनके अंदर वेरिएशंस हैं। तो जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, कोई टॉल है, कोई डार्फ है, कोई मतलब मोटा है, कोई छोटा है, तो क्या है स्पीसीज एक ही है फिर भी वेरिएशंस हैं। तो अगर हम देखते हैं इसको तो देखो बाय चांस इम्पोर्टेंस क्या है इसके, मतलब इसके वेरिएशन के, अगर दो तरीके से हम यहाँ देख सकें। देखो अगर वेरिएशन नहीं होता है, नो वेरिएशन, और एक केस में हम देख रहे हैं कि वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। अब ये क्या है, जनरली एक ही एनवायरनमेंट में है, ठीक है, तो चेंज होता है एनवायरनमेंट के अंदर, चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इसके ऊपर भी इफेक्ट दिखाएगा और इसके ऊपर भी इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन इज नॉट सर्वाइव, ये पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करेगी। और ये जो वेरिएशंस हैं, अब ये वेरिएशंस आपको अभी बताए थे, ठीक है ना, ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो बेनिफिशियल, जिनके अंदर बेनिफिशियल वेरिएशंस जो हैं आए हैं वो सर्वाइव करेंगे, और जो हार्मफुल हैं वो क्या हो जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वेरिएंट जो होते हैं, जिनके ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, और जो जिनके अंदर वेरिएशंस नहीं होते हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के। अब इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है बैक्टीरिया के ऊपर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, कोई पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि कहाँ से रह रही है, वाटर के अंदर, ठीक है। इस वाटर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है जहाँ पर ये सर्वाइव कर रही है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो दो केस हैं जिनके अंदर वेरिएशन हुए हैं और जिनके अंदर नहीं हुए हैं। तो जिनके अंदर नहीं हुए हैं वो हैं नॉन वेरिएंट, और जिनके अंदर हुए हैं वो हैं वेरिएंट स्पीसीज। तो यहाँ पर जो नॉन वेरिएंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे और मर जाएंगे, ठीक है, और जो वेरिएंट हैं वो क्या करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो डीएनए कॉपी और जिसको हम रेप्लिकेशन ही बोलते हैं, वेरिएशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन एंड हाउ वेरिएशंस इंट्रोड्यूस इन ए पॉपुलेशन, तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में है। और बाकी हम जो टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।